दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आई डोंट नो लगेगी या नहीं। सो हिम्मत थोड़ा प्यार शो ऑफ कर रहा है डैडी को, क्योंकि पिछले दिन उसने डैडी को बहुत मिस किया, क्योंकि वो बहुत लंबे समय के बाद हमसे दूर रहे थे। अगली सुबह हमने प्लान बनाया कि आलू के परांठे बनाते हैं। हस्बैंड कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे परांठे बनाती हो। मैंने कहा कि ठीक है, फिर बना लेते। वैसे भी मुझे लगता है कि आलू परांठा सबसे आसान नाश्ता होता है पंजाबियों का। सो मैंने कर लिए हैं आलू पील, इनको करेंगे बॉयल। इनमें हम हमारी said that it just clicked, told me the reason is you were just looking out for you, and through it all you never fall or fail. Most popular ingredients add karenge green chili, dhaniya, ginger, onion and kuta hua dhaniya powder, jeera and ajwain and bas seasoning। सिंपल बनाती हूँ परांठे में, पर मुझे लगता है अच्छे बनते हैं। बस मेरे परांठे का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, दो से ज़्यादा कोई खा नहीं सकता है। पर आज मैंने कोशिश करके छोटे साइज़ के बनाए हैं, पर फिर भी नहीं बन पाए हैं। पर या मेरे जो आलू के परांठे होते हैं ना, उसके साथ सबसे ज़्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट होती है चिट्टा मक्खन, घर का फ्रेश मक्खन। सो वो भी बना रही हूँ मैं आज। और हस्बैंड थोड़ी शिकायत कर रहे थे कि उनका गला थोड़ा ख़राब सा है, पर ये अच्छा किया मैंने कि चार पांच बंदों को एक ही टाइम पे खिला दिए, क्योंकि कईयों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बनाने वाला एक बंदा। बट या मैंने कैच अप कर लिया उनके साथ। पर हस्बैंड कह रहे थे कि उनके गले में थोड़ी खराश है, उनको अच्छा नहीं फील हो रहा। तो क्या हुआ कि जब हस्बैंड का परांठा फिनिश हो गया, खा लिया उन्होंने, तो मैंने सोचा कि उनके बर्तन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सारे बर्तन डिशवाशर में थे, कोई भी एक चीज़ मेरे पास नहीं थी बाहर। तो मैंने क्या किया, हस्बैंड के कॉली उठाई, उसमें राजमा रिफिल किए, क्योंकि राजमा बने हुए थे कल रात के। एंड चम्मच जो हस्बैंड का जूठा था, मैंने अपने मुँह में डाल लिया। और हस्बैंड के गले में खराश है, हस्बैंड ने कहा कि मेरा गला ख़राब हो रहा है, तुमने क्यों मेरा चम्मच ले लिया। और तभी मैंने निकाल दिया मेरे मुंह अंदर, मैंने निगला नहीं था अभी तक वो। मैंने क्रूली भी कर ली, पर मुझे अब डर लग रहा है कि मैं भी बीमार हो जाऊंगी। सो यस, इस तरह ये दुर्घटना हो गई। एंड उसके बाद हस्बैंड हो गए बीमार। तो मैंने ना फार्मेसी से ला के रखे हैं वो कोविड के टेस्ट, एंड मैंने सोचा कि हस्बैंड का टेस्ट करते हैं। सो यस, हस्बैंड की लाइन थोड़ी फिक्की लाल आ गई, लगता है हस्बैंड को कोविड होने वाला है। तो हस्बैंड को हमने शिफ्ट कर दिया बेसमेंट में। मैंने कहा कि तुम बेसमेंट से बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि हम बीमार नहीं होना चाहते। पर अब मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि जूठा चम्मच मैंने पा लिया है अपने मुँह में, और अब मुझे लगता है कि मैं हो जाऊँगी बीमार, क्योंकि दिस इज़ स्केरी। सो हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं चिकन नूडल सूप। टिम हॉर्टन का ये चिकन नूडल हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार बनता है। पर इसको थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने ना इसमें ब्रोकली एंड बाकी चीज़ें ऐड कर दी हैं, फ्रेश सब्जियाँ, ताकि थोड़ा सूप मज़ेदार हो जाए। और इसके साथ ये ब्रेड का बहुत अच्छा टोस्ट बना के हस्बैंड को दे देंगे, ताकि हस्बैंड को थोड़ा रिलीफ मिले। Some peace of mind tonight. I feel so low again, alone again. To me, you are the brightest star in the sky. Oh, why do you cry? Why? Where we are.
सो आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि आने वाले दिन जिस दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है और वो आइसोलेशन में है, तो मैं उनको क्या क्या फीड करने वाली हूँ। सो सुबह होती है, सुबह मैं उनको दूंगी चाय, उसके साथ मैं उनको गर्म पानी भी दे रही हूँ इस केटल से मैं, और इसके साथ थोड़ी चाय के टी बैग्स, ताकि जब उसका उनका मन करे गर्म गर्म कुछ पीने के लिए ये बना सकते हैं वो खुद, ताकि मुझे उनके पास जाना ना पड़े। और हनी वाला पानी दे रही हूँ वार्म, मैंने आज नींबू नहीं डाला क्योंकि उनके गले में खराश है और फिर नींबू थोड़ा जलेगा, सो इसलिए। अराउंड 10 बजे उनको हम देंगे ओट्स, ओट्स में मैंने सिर्फ बनाना डाला है ताकि बहुत ही माइल्ड किस्म के ओट्स बने, उसके बिना उसमें कुछ डालना नहीं है मैंने। एंड ये हो गया उनका ये उनका ब्रेकफास्ट हो गया। लंच के लिए मैंने सोचा कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ दाल के साथ, मूंगी मसूर की दाल अच्छी लगती है बीमारों को, सो मैंने आलू एंड बीन्स की सब्ज़ी बनाई है एंड साथ में बनाई है मूंगी मसूर की दाल। इसके साथ दो पतले पतले फुलके बनाएंगे हस्बैंड के लिए एंड खीरे दे देंगे उनको, ये उनका प्यारा सा लंच हो जाएगा। मैंने सोचा कि उनको क्यों ना मैं फ्रेश सब्जियों का एंड फ्रूट्स का जूस बना के दूँ, तो मैंने ग्रोसरी करके आई हूँ, थोड़ी सी फ्रेश सब्जियाँ लेके आई हूँ। सो मैं उनके लिए बनाऊँगी जूस सैलरी का, एप्पल, ऑरेंज, कैरेट्स, बीटरूट, थोड़ा सा जिंजर एंड इसी तरह एक प्यारा सा हम कप उनके लिए जूस का बना देंगे। आई डोंट नो ये जूस के जो मेरे डब्बे से है ना वो मुझसे मिस हो गए तो थोड़ा स्पिल हो रहा है, पर यार डोंट वरी वी गोना डील विद दैट। ये बीटरूट के साथ कितना मज़ेदार रंग हो जाता है ना। सो एक बड़ा ग्लास बना दिया है मैंने उनको एंड इस पर हम ऐड करेंगे काला नमक, कोई बर्फ बुरफ कुछ ऐड नहीं करेंगे, और ये उनको कहेंगे कोट कोट पर के पी जाओ। और अब थोड़ा स्नैकिंग का टाइम हो गया, स्नैकिंग के लिए उनको मैं एप्पल दे रही हूँ एंड एक ऑरेंज दे रही हूँ, ताकि एप्पल अच्छा होता है ना, फाइबर है उसमें एंड ऑरेंज में विटामिन सी है और विटामिन सी इज़ वेरी गुड। सो ये उनको दे के आएंगे ताकि वो चबते रहें एंड थोड़ा एंटरटेन रहें। सो डिनर के लिए उनके बनाने वाली हूँ मैं स्पाइसी थाई सूप, जो कि टिम हॉर्टन्स का ही है। इसमें भी मैं थोड़ी अपनी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ एंड ये ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ उनके लिए, और ये सूप उनको हम एज अ डिनर सर्व करेंगे। आई होप उनको ये अच्छा लगेगा एंड बैड लक है कि मेरे गले में खराश थोड़ी बढ़ गई है और मैंने लगा कि कल मैं भी बीमार हो जाऊँगी। बहुत स्केरी है, मेरा बीमार होना बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि जब मैं बीमार हो जाऊँ तो घर कौन संभालेगा। मेरे लिए प्रे करना गाइस कि मैं बीमार ना हूँ। मैं आपको मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाई।